नाउ स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा. आर यू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हाट एवर यू आर डूइंग? आप जो भी काम कर रहे हो उससे आप खुश हैं, सेटिस्फाई हैं, देन ओके. आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें आप सिक्योरिटी समझते हैं, देन ओके. और जो आप काम कर रहे हैं, आप रहते हैं या काम करने लायक नहीं रहते, फिर भी वो काम आपको उतना ही पैसा और उतना ही कंफर्ट देगा, देन आपके लिए प्रेजेंटेशन नहीं है. अगर इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपके पास नो है तो ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए ही है. दिस इज अ 21st सेंचुरी बिजनेस. अभी दिमाग में आता है कि वाई दिस बिजनेस, यही बिजनेस क्यों? सबसे पहले हमको कोई भी काम करते हैं तो दिमाग में आता है क्या क्या मिलेगा और कैसा है. इसमें क्या क्या मिलेगा, रिवार्ड्स क्या क्या है, मनी फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वर्क टेबल है, रिकॉग्निशन है, गुड हेल्थ भी मिलती है इससे. ये तो इससे रिवार्ड मिलते हैं. और इसका नेचर कैसे है, क्या है ये? ये परमानेंट इनकम देता है, ऑन ग्रोइंग देता है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, ऑन गोइंग है, और आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफर हो सकता है. अभी बात करते हैं होता कैसे. अगर इस बिजनेस को आप 2 से 3 घंटे दिन के 2 से 3 घंटे 6 से 12 महीने तक करते हैं तो इसमें 40,000 रुपए तक आप कमा सकते हैं, वो भी पर मंथ. यही 2 से 3 घंटे 1 से 2 साल के लिए लगाते हैं आप इस बिजनेस के लिए तो आप 1,00,000 रुपए पर मंथ कमा सकते हैं. इतनी दुनिया तो ये 2,50,000 रुपए पर मंथ आपकी इनकम हो सकती है. और यही 2 से 3 घंटे आप 2 से 5 साल तक के लिए लगाते हैं, बड़ा विजन लेके लगाते हैं, तो ये आपकी पर मंथ इनकम 7,00,000 हो सकती है. और पोटेंशियल अनलिमिटेड है, आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं. आप ये समझिए आप सोने की खान के ऊपर बैठे हुए हैं, पोटेंशियल आप में जितनी उतना निकाल लीजिए. अभी हम देखते हैं प्रेजेंट सिनेरियो पे इनकम, हमारा इनकम का सिनेरियो क्या है. हमारे सपने की बात करते हैं कि हमें बड़ा घर चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए, बच्चों के एजुकेशन हो सके तो शहर के सबसे बड़े स्कूल में हो, बैंक बैलेंस होना चाहिए, चैरिटी होनी चाहिए, नेम फेम होना चाहिए, रिकॉग्निशन, वर्ल्ड टूर, और सबसे बड़ी बात पीस ऑफ माइंड होना चाहिए. अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम का दायरा हमारा छोटा है और ये हम अपने सपने से समझौता करते हैं और इनकम के दायरे को के हिसाब से अपने सपने छोटे कर लेते हैं. कहते हैं बड़ा हाउस घर नहीं हुआ तो क्या छोटा ही बहुत है, बड़ी कार नहीं हुई तो बाइक ही बहुत है. बच्चों की एजुकेशन की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों का एक जो मिडिल क्लास है या पुअर पर्सन की बात करूं तो कहते हैं बच्चा होशियार होगा तो कहीं भी पढ़ लेगा, लेकिन वो फेक होता है. अब बात बैंक बैलेंस की बात करते हैं, भैया घर का खर्चा चल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है. चैरिटी की बात करें तो अपने ही खर्चे नहीं चलते, चैरिटी कहां से हो. देन और आगे की चीज तो आप भूल ही जाइए. अभी अगेन 3 क्वेश्चन फिर आपसे पूछूंगा. आर यू एम्बिशियस, विलिंग टू लर्न एंड विलिंग टू हेल्प अदर्स? तो ये बिजनेस आपके लिए ही है. इसमें कुछ लोग हैं जो एम्बिशियस थे, जैसे कांतियन लता गाला, साइंटिस्ट पुलिनर मीना देसाई, सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं. अभी मैं और आगे जाता हूं, जैसे डॉक्टर हरभजन एंड महेंद्र कौर बैज, ये हमारे इंडिया में सबसे बड़ी पिन है. और ये कनाडा में दोनों डॉक्टर्स थे और बिजनेस का पोटेंशियल देखकर इंडिया आए और दोनों ने अपना प्रोफेशन छोड़ के इंडिया में ये बिजनेस बनाया. नेक्स्ट हमारे एमपी सर एंड देवेंद्र कौर मैम. देन आगे हम ब्रशी सर के पास आते हैं, हमारे डायमंड सर, ये सिविल इंजीनियर थे. देन अब बात करते हैं हम ये अब जो लोग छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक की बात करूंगा, इलेक्ट्रिशियन भी इस बिजनेस में है,
सिविल सर्विसेज वाले भी हैं, एमबीए स्टूडेंट भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं, फैक्ट्री ओनर भी हैं। जो आप प्रोफेशन देख सकते हो वो सारा प्रोफेशन छोटे से लेके बड़े तक है, तो हम बीच में तो कहीं आ ही सकते हैं, तो मींस हम भी ये कर सकते हैं। अभी बात करते हैं, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने बताया चार तरीके की इनकम होती है, चार तरीके से ही पैसा कमाया जा सकता है, या तो हम एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेसमैन या इन्वेस्टर। एम्प्लॉय, आप क्या समझते हैं एम्प्लॉय के पास उसकी मनमर्जी का पैसा होता है? नहीं, लिमिटेड मनी होती है। टाइम की बात करें, बॉस जब बोलेगा जब उसको जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी की बात करें तो जॉब तो सिक्योर होती है, लेकिन वो पर्सन सिक्योर नहीं होता, वो पर्सन जाएगा तो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाए। अभी बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की बात सब समझते हैं, नौकरी, कहीं नौकरी कर रहा है, नौकर है। सेल्फ एम्प्लॉय, हम अपने प्रोफेशन, अपने आप को खुद को नौकर बना लेते। मनी की बात करें, इन पे पैसा एम्प्लॉय से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। टाइम की बात करें, टाइम इनके पास नहीं होता। जैसे एक डॉक्टर की बात कर लो, 24 घंटे इमरजेंसी लिखा होता है, रात को 12 बजे जाओ, रात सुबह 2 बजे जाओ, डॉक्टर को उठ के आना पड़ेगा क्योंकि उसको पैसा कमाना है, ठीक है। अब सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा अनसिक्योर पर्सन यही होता है, क्योंकि इनके पास स्किल होती है, ये स्किल ट्रांसफर किसी को नहीं कर सकते। अब बात करते हैं बिजनेसमैन की, तो सबसे बड़ा एग्जांपल मैं लेता हूं धीरूभाई अंबानी जी का। क्या आप समझते हैं, मनी की बात करें, जब वो अंबानी जी थे उस समय कंपनी ज्यादा बड़ी थी या इस समय ज्यादा बड़ी? पैसा इस समय ज्यादा है या उस समय ज्यादा था? सीधा सा आंसर है, इस समय ज्यादा है। टाइम की बात करें, अगर उनके 1,00,000 एम्प्लॉय है और 2-2 घंटे भी काम करते हैं, मान लेते हैं, तो 2,00,000 घंटे उनके लिए काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो टाइम की भी उनके पास कमी नहीं है। सिक्योरिटी की बात करें, धीरूभाई अंबानी जी चले गए और उनके जाने के बाद ऐसा तो नहीं बिजनेस खत्म हो गया, उनके बेटे आए, उनको पूरी की पूरी लेगेसी मिल गई, तो सिक्योर रहता है। बिजनेस में क्या है, एक सिस्टम बनता है और यही बिजनेसमैन इन्वेस्टर हो जाते हैं। अभी देखते हैं साइड ए एंड साइड बी। साइड ए में पॉपुलेशन 90% है, मनी 10% है, हाईली क्वालिफाइड लोग है। साइड बी में देखें, पॉपुलेशन 10% है, 90% मनी है और क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है। ये जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं ना, इन्हीं के नीचे नौकरी कर रहे होते हैं, इन्हीं के नीचे वर्क कर रहे होते हैं। ये दूसरे, अगर ए साइड की बात करें, ये दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के सिस्टम में काम करते हैं, और बी साइड के लोग अपना खुद सिस्टम खुद क्रिएट करते हैं। ए साइड के लोगों के पास लिमिटेड वर्किंग आवर्स होते हैं, बी साइड के लोगों के पास वर्किंग आवर्स अनलिमिटेड होते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया 1,00,000 लोग हैं और केवल 2-2 घंटे काम कर रहे हैं, 2,00,000 घंटे काम हो रहा है, तो वर्किंग आवर्स इनके लिए अनलिमिटेड है। ये एक्टिव इनकम जनरेट करते हैं, काम पे जाएंगे पैसा आएगा, जब तक नौकरी करेंगे पैसा आएगा, नौकरी जिस दिन बंद पैसा बंद, आदमी काम करने लायक नहीं रहा तो पैसा बंद। लेकिन यहाँ सिस्टम जनरेट करते हैं, सिस्टम क्रिएट करते हैं, पैसे से पैसा आता है, यही पैसिव इनकम होती है, ये जनरेशन तक पैसा आता है। लाइफ विद कंप्रोमाइज होती है इनकी, हर एक चीज में सोचते हैं। जैसे अभी बात करूं एम्प्लॉय की, 7 तारीख को सैलरी क्रेडिट होती है, 20 तारीख को खत्म हो जाती है, बच्चे पूछते हैं कि पैसा, एक कोई भी चीज लानी है पापा से बोल रहे हैं, तो पापा बोलते हैं बेटा अगले महीने। ये 20 से 30 तारीख तक का जो टाइम होता है बड़ा क्रूशियल निकलता है एम्प्लॉयज के लिए। और यहाँ पे बी साइड के लोगों की बात करूं, तो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस होती है, जब जहां जाना चाहे अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से खाते हैं। अभी बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस और एमवे बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में हाई इन्वेस्टमेंट होता है, करोड़ों लगाओ लाखों कमाओ, इसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होता है, तो रिस्क ना के बराबर है। इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल बिजनेस में ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, तो रिस्क बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ पे नॉलेज और एक्सपीरियंस एंड स्किल्स होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिस्टम क्रिएट कर दिया जाता है, आपके अप्लायंस है, वो आपको गाइड करते हैं हर कंडीशन में, तो आप अच्छे से सीख पाते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस में सिखाने वाला कोई नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस में 8 से 10 घंटे लगना ही पड़ेगा। जैसे एक शोरूम का मालिक है, 10 घंटे
कोई कस्टमर आए ना आए, 10 घंटे उसको काम शॉप खोलनी ही पड़ेगी और पूरी जिंदगी खोलनी पड़ेगी। और यहाँ पे 2 से 3 घंटे लगाते हैं, 2 से 5 साल, और आप बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये कस्टमर, अब कस्टमर की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे कंज्यूमर हमने नाम लिया है, जो हमारे प्रोडक्ट कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर हो गया। 100% में हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है तो बनता कम 40% में है, और ये मीडिएटर सारा पैसा 60% पैसा मीडिएटर के पास जाता है। अगर हम सिंपल बात करें, कोई 1 लाख रुपया कमा रहा है तो 60,000 रुपये मीडिएटर के लिए कमा रहा होता है। 10 घंटे कोई काम कर रहा है तो 6 घंटे काम मीडिएटर्स के लिए कर रहा होता है। अब हमने क्या किया, ये मीडिएटर्स बीच में से हटाए और कस्टमर को और फैक्ट्री को साथ में जोड़ दिया, और 60% पैसा कमाने का मौका कस्टमर को मिल गया। अभी बात करते हैं हम कंपनी प्रोफाइल की, और इस कंपनी के लिए हम बहुत अच्छी ताली बजा सकते हैं। कंपनी का नाम है एमवे ग्लोबल। ग्लोबली अब बात करते हैं तो ये 1959 में स्टार्ट हुई, अभी 64 इयर्स हो चुके हैं, 110 से ज्यादा कंट्रीज में है, 6500 एकड़ के ऑर्गेनिक फील्ड्स हैं इसके, 450 प्रोडक्ट हैं, 1000 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं इसके पास, 65 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, और इसका एनुअल टर्नओवर की बात करें तो मोर देन 70,000 करोड़ का है। अब अगर इसको इंडिया में बात करें तो 5 मई 1998 में आई, 25 साल हो चुके हैं इस समय, मोर देन 180 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। एनुअल टर्नओवर की बात करें तो 2000 करोड़ से ऊपर है। 160 एमवे स्टोर्स हैं हमारे यहाँ, वेयर हाउसेस भी हैं। अभी प्रोडक्ट्स रेंज की बात करें, हमारे पास न्यूट्रोलाइट है, फूड सप्लीमेंट, ब्यूटी केयर है, ब्यूटी में क्या है स्किन केयर में हम डील करते हैं, देन होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रो केयर, कुकवेयर, एयर प्योरिफायर। अभी न्यूट्रोलाइट रेंज की बात करते हैं, जो लोग बीमार हैं उनको जल्दी से रिकवर करने के लिए और जो हेल्दी रहना चाहते हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट्स हैं। ये न्यूट्रोलाइट की हमारी किड्स रेंज भी है, स्पोर्ट्स एंड एनर्जी रेंज है, वेट मैनेजमेंट भी है इसमें, एंड इसमें हर्ब्स भी है। अब ब्यूटी रेंज की बात करें, स्किन केयर में जो वर्ल्ड में नंबर वन है आर्टिस्टी, वो हमारे पास है, जो इंडिया में नंबर वन है एटीट्यूड, वो हमारे पास है, हमारे पास होम केयर के भी प्रोडक्ट है, खेती के भी प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर भी है हमारे पास, एम्बे कुकवेयर भी है, इसमें हम जीरो ऑयल पर कुकिंग की जा सकती है। मैं प्रोडक्ट के बारे में इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा कि प्रोडक्ट के डेमोज होंगे, जिससे अभी इसके बाद जो पार्ट होगा वो डेमोज का होगा, उससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे पास एयर प्योरीफायर भी है, कार एयर प्योरीफायर और रूम एयर प्योरीफायर। देन अभी बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है, हम बेनिफिट क्या ले सकते हैं हमें से। 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेगा, इसकी गारंटी हमको 100% मनी बैक गारंटी है। 30 डेज तक आप यूज कीजिए, 30% तक यूज कीजिए, समझ नहीं आता तो आप रिटर्न कर दीजिए, पूरा का पूरा पैसा वापस आता है। होम डिलीवरी है और हर एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलती है हमको। ये एमवे हमको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है, ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, 4-10% रिटेल मार्जिन होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जीएसटी भी जाता है, 8-10% ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है हमको, 5% सीएसआई भी मिलता है, 3-21% रेफरल बोनस मिलता है, और 6% लीडरशिप कमीशन भी हमको मिलता है। अब ये कैसे कैसे लेवल है, 3% जब हम 20,000 का बिजनेस करते हैं तो हम 3% कहलाते हैं, और हमको 3,000 रुपए से 2900 से लेकर 3,000 रुपए की इनकम होती है। यही 6% होता है, मीन 60,000 का बिजनेस होता है तो 5 से 6,000 रुपए हमारे अकाउंट में आते हैं। ये 9% होता है, मीन 1,20,000 का तो हम 10 से 12,000 रुपए कमा रहे होते हैं। यही 12% होता है तो हम 15 से 20,000 रुपए कमा रहे होते हैं। यही 15% होता है 4,000 PV, मतलब 4 लाख का बिजनेस, तो हम यहाँ से 30 से 40,000 रुपए कमा रहे होते हैं। यही 18% होता है 7,000 PV, 7 लाख का बिजनेस, यही हम 45 से 60,000 रुपए कमा रहे होते हैं।
यही 21% हो जाता है 10,000 पीवी और 10 लाख का बिजनेस, यहां से हम 90 से 1 लाख रुपया अर्न कर रहे होते हैं। अब जब हम एक महीने में 10,000 पीवी का बिजनेस करते हैं तो हम सिल्वर प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ये कि हम रेगुलर 3 महीने 10,000 का बिजनेस करते हैं तो हम गोल्ड प्रोड्यूसर कहलाते हैं। यही बिजनेस हम साल में 6 महीने करते हैं, 3 महीने रेगुलर और 3 महीने 9 महीने में से कोई 3 महीने और कर लेते हैं, टोटल साल में 6 महीने करते हैं तो हम प्लेटिनम कहलाते हैं। और यहाँ पे हमें एक ट्रिप मिलती है, कई बार हमें फॉरेन ट्रिप भी मिलती है और ट्रिप इंडिया में मिलती है तो लग्जूरियस ट्रिप मिलती है। अभी बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड बिजनेस है ये हमारा। जब हम गोल्ड और प्लेटिनम क्वालिफाइड कर जाते हैं तो ये हमें वर्ल्ड बिजनेस ट्रिप भी मिलती है। अब बात आते हैं, हम आपको हमने बोला आप प्लेटिनम क्वालिफाई कर गए, गोल्ड और प्लेटिनम क्वालिफाई कर गए और आप ही और लोगों को भी क्रिएट कर देते हैं, अपने जैसे लोगों को क्रिएट कर देते हैं, ऐसे 6 प्लेटिनम आप क्रिएट कर देते हैं तो आप डायमंड हो जाते हैं। डायमंड लाइफस्टाइल इज ऑसम। अब आते हैं इसको हम करें कैसे। एक हमारा सिस्टम है गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें सीडीज है, बुक है, कुछ मीटिंग्स हैं, जैसे अभी हम उसी के अंडर मीटिंग ये कंडक्ट कर रहे हैं। इससे हम सीखते हैं और अपने अपलाइन से सीखते हैं और सीखकर हम अपना बिजनेस और तेजी से बढ़ाते हैं। अभी लाइफ की बात करूं, डायमंड लाइफस्टाइल क्या होती है, फ्रीडम ऑफ मनी, पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं होती, अपना टाइम होता है। जब अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था जितना मन करे उतना टाइम उनका है, कब जगना है, कब सोना है, कब खाना है, ये उनकी मर्जी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, फॉरेन ट्रिप्स होती है साल में कम से कम एक बार, अपने मर्जी का घर होता है, अपनी मर्जी की गाड़ी होती है, हम लोगों को चैरिटी कर रहे होते हैं। जो मेन पर्पस मैं अपनी बात करूं, पीस ऑफ माइंड होता है। अगर मैं ये बिजनेस जो कर रहा हूँ पीस ऑफ माइंड के लिए कर रहा हूँ, और लाइफ में बहुत लोगों के उथल पुथल रहती है, सब कुछ मिल जाए और मन की शांति ना हो तो लाइफ में, और जिंदगी में कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। अब हम इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं ज्वाइन करने के। पहला, आप कस्टमर बन के इसके 8-10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, उससे आप खुश रह सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना नाम देना होगा, एड्रेस, ईमेल आईडी और फोन नंबर, इससे आप रजिस्टर हो जाएंगे, रजिस्टर कस्टमर हो जाओगे और लाइफ टाइम आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम भी, जैसे हमने फोटोज देखी थी, बड़े बड़े लीडर्स देखे थे, हम भी उन जैसे बनना चाहेंगे और ऐसे ही पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमें एक आईडी प्रूफ चाहिए, एक बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए आपकी, पैन कार्ड ऑप्शनल है, ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर, इससे आप ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन ज्वाइनिंग फ्री है, लेकिन कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा। गो अहेड एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अब आप लोगों से ये नहीं कह सकते कि मैं, मुझे अमीर बनने के लिए या कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए मौका नहीं दिया गया। ये अपना हक खो चुके हैं कि आपको मौका नहीं मिला। ये मौका आपके पास है, आप चूज कर सकते हैं। थैंक यू, मेरा प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म होता है। थैंक यू।